Hey, y'all, come look at this. देखिए सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिन ये पारित होता है, ये देश विश्व गुरु बनने की पूरी तरह एक उड़ान भर चुका होगा। अबे साले कभी दोस्तों, मोदी सरकार के सबसे चहेते सांसद रवि किशन आए दिन किसी न किसी मामले में सुर्खियों में रहते ही हैं। इसी बीच संसद के मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करने को लेकर सांसद रवि किशन का एक बयान सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। इसी पर रवि किशन को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों आपको याद ही होगा, सांसद रवि किशन पिछले कई दिनों से किसी न किसी विवादों में फंसे ही रहते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उनके हवाई जहाज और हवाई चप्पल वाले ट्वीट को लेकर उनको जमकर ट्रोल किया गया था। बीते हफ्ते उन पर मजदूरों का मेहनताना भी हड़प जाने का आरोप भी लगाया गया था कि अब एक नया विवाद जनसंख्या बिल से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद रवि किशन को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल ही रहा है कि इसी मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे जनसंख्या नियंत्रण का प्राइवेट बिल पेश करेंगे। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि हम विश्वगुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आए, और अब जनसंख्या को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से यह बढ़ रही है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से भी अनुरोध किया है कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुने कि मैं इसे क्यों पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों उनका यह बयान सामने आते ही तमाम सोशल मीडिया ने उन पर ढाबा बोल दिया। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण करने की बात वह व्यक्ति कर रहा है जिसके खुद के 4 बच्चे हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति क्या सोच कर ये बिल पेश करना चाहते हैं, ये तो अब वही जानते होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, उन्हीं की पार्टी के द्वारा ये साफ साफ बोल दिया गया है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कोई भी विचार नहीं कर रही है। फिर भी रवि किशन ऐसा बिल क्यों पेश करना चाहते हैं? दोस्तों रवि किशन को इस पूरे मामले में काफी ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर आर्या नाम के यूजर लिखते हैं, गोरखपुर सांसद रवि किशन लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करने जा रहे हैं। बीजेपी को इस बिल को पेश करने के लिए कोई और सदस्य नहीं मिला। रवि किशन जी के खुद के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बेटे की चाहत में 4 बच्चे पैदा करने वाला सांसद जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करेगा। एक और यूजर लिखते हैं, मोदी के नगीनों में सबसे शानदार है, घटिया लहंगा रिमोट इत्यादि गाकर सदन में बोलता है कि अब से कोई अश्लील गाने नहीं गाएगा। पुत्र के लालच में 4 बच्चे पैदा करके अब बोल रहा है कि कोई 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। वैशुद्दीन सिद्दीकी नाम के यूजर मीम शेयर करते हुए लिखते हैं, सुन रहे हो ना विनोद, 4 बच्चों का बाप कह रहा है कि 2 बच्चे ही पैदा करो। पहले ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं, अब दूसरों के प्रदर्शन को नियंत्रित करना चाहते हैं। गौरतलब है कि रवि किशन जी के 4 बच्चों के पिता हैं। उनके द्वारा ऐसा बिल पेश करना नैतिक मानदंडों के अनुसार उचित नहीं है। खुद तो रवि किशन ने लड़के के लालच में 4 बच्चे कर दिए और अब सबको ज्ञान दे रहा है जनसंख्या नियंत्रण का। साथ ही ये भी कानून जोड़ा जाना चाहिए कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं या हों, वो किसी भी सरकारी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है। इस वक्त जितने भी विधायक या सांसद अधिकारी ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो तुरंत इस्तीफा देकर पदत्याग करें। फिलहाल दोस्तों, क्या है इन सब पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।